जनता का आईना में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आप जैसे जानते हैं पूरे देश में दूसरी कोरोना की कोविड-19 की लहर आई है। कोरोना ग्रस्तों की संख्या लगातार रोज बढ़ती जा रही है। अभी तो हम कोरोना से संभले भी नहीं थे और कुछ धीरे धीरे अर्थव्यवस्था और हमारी जिंदगी वापस से एक पटरी पर आ रही थी और उस बीच वापस से ये कोरोना का दौर बढ़ गया। पूरे देश में देह से दूरी बना कर रखने की बात की जा रही थी, पूरे देश में मास्क पहनने की बात कर रहे थे और अगर किसी गरीब आदमी ने उसका मुंह पे से थोड़ा सा मास्क नीचे भी आ जाता है तो उस पे 200 रुपया 500 रुपये का दंड भी लग जाता है। जब इस तरह की पूरे देश में परिस्थिति है उस वक्त जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है और कुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और श्रद्धालुओं में शाही स्नान गंगा स्नान करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। जब पूरे देश में हर चीज़ बंद कर दी गई, मंदिरों को बंद कर दिया गया, मस्जिदों को बंद कर दिया गया, सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए, लोगों की रोजी रोटी को बंद कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, लोगों से उनके शादी ब्याह यहाँ तक के मरने के समय भी अधिक लोग नहीं आना चाहिए उसकी प्रोसीजर और प्रक्रिया रखी गई, ऐसे पूरे माहौल में आखिर हरिद्वार के कुंभ मेले को किस तरह से परमिशन दी गई, किस तरह से अनुमति दी गई, ये हमारे सामने सवाल है। सवाल किसी धार्मिक आस्था को दबाने का नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे कोरोना की विपत्ति में जहाँ पर पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है उस समय इस तरह का कुंभ मेला का आयोजन करना और लाखों लोगों को एक साथ लाना क्या पूरे देश को खतरे में डालने की बात नहीं है? इस कुंभ मेले में पूरे देश से लोग जा रहे हैं, सरकारें बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, लोगों को न्योता दे रही है कुंभ मेले में आने के लिए और ऐसे समय में कोरोना की व्याप्ति बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर नोएडा में रहने वाले संजय कुमार पाठक ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और उन्होंने इस पूरे कुंभ मेले के आयोजन और उसको दी हुई अनुमति को रद्द करने की बात की है। उनका कहना है कि जो भी कोरोना के प्रोसीजर लागू होते हैं वो पूरे लागू होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और ऐसे बड़े आयोजनों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेले के साथ साथ जो चुनावों में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और जो देह से दूरी नहीं रखी जा रही है उसमें भी रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेले में गए हुए हजारों लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो अब पूरे देश में जाएंगे और उससे कोरोना और फैलेगा, जबकि सरकार की पूरी मशीनरी कोरोना की रोकथाम के लिए लगी हुई है और उसी दौरान सरकार इस तरह के मेलों को आयोजित कर रही है। ये याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन हमने देखा था पिछले साल तबलीगी जमात और मरकज जो लोग जमा हुए थे दिल्ली में वो कोरोना काल के पहले से जमा थे, उन्हें पहले से परमिशन थी, लेकिन फिर भी उनको पूरा टारगेट बनाकर पूरे देश में इस तरह का वातावरण बनाया गया कि मुस्लिम समाज के लोग, तबलीगी जमात के लोग ये कोरोना फैला रहे हैं और उन पर कार्रवाइयाँ की गई, उन पर केस दायर किए गए, लेकिन हमने इस पूरे एक साल में पाया है कि वो पूरा झूठा प्रचार था। लेकिन अब सरकार एक तरफ एक धर्म के लोगों को के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करती है और दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह से अनुमति देती है, तो ऐसा माहौल होते हुए सरकार इस तरह के शाही आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन, ये दिखाता है कि सरकार हर चीज़ को, इतनी बड़ी विपत्ति जो देश पर आई है उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और इसलिए वो एक धर्म को अनुमति देती है, दूसरे धर्म को अनुमति नहीं देती और इस तरह से धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए वो देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने से भी परहेज नहीं करती है। चाहिए ये याचिका में कहा गया है कि ऐसे आयोजन तुरंत बंद होने चाहिए, गैदरिंग को समाप्त करना चाहिए, जो विज्ञापन दिया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए और पूरी तरह से कोरोना के जो नॉर्म्स हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन पूरे नॉर्म्स को, उन पूरी प्रक्रियाओं को
अपनाना चाहिए और वो सबके लिए एक समान बंधनकारक होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर, आपका क्या कहना है? सरकार ने कुंभ मेले को जो अनुमति दी है, क्या वो सही है? क्या कुंभ मेले के लिए अलग कोरोना का प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोरोना के अलग नियम होने चाहिए? क्या चुनाव की रैलियों के लिए अलग नियम होने चाहिए? क्या नेताओं के लिए अलग नियम होने चाहिए? क्या जो लोग कुंभ मेले में आए हैं उनके लिए कोरोना का प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है? क्या नेताओं के लिए कोरोना का प्रोसीजर, कोरोना के नियम अपनाना जरूरी नहीं है? अभी हमने सुना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया है। उसके पहले ही उनके साथ जो एक नेता था, उसने पहले ही कहा था कि मुझे कोरोना हो गया है और जो भी मेरे संपर्क में थे वो सेल्फ क्वारंटाइन रहें, और उसमें एक योगी आदित्यनाथ भी थे, फिर भी वो कोरोना फैलाते हुए, कोविड फैलाते हुए चुनावी रैलियां कर रहे थे। उनके ही राज्य में लखनऊ में कोविड के हालात एकदम गंभीर है, लेकिन वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं। गुजरात में कोविड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह और मोदी कोरोना की रैलियां कर रहे हैं। देश में हर एक कब्रिस्तान और शमशान भूमि में लाशों को दफनाने और जलाने के लिए जगह नहीं है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे हालात देश के हो गए हैं। और ऐसे समय में हमारे नेताओं को समझदारी से काम करना चाहिए, या वे फिर इसमें से भी राजनीति निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम ऐसे नेताओं को सबक सिखाएंगे, ऐसे नेताओं से सवाल पूछेंगे और चुनाव में इन सब चीज़ों का उनको अपने मतदान के द्वारा जवाब देंगे? ये अब हमको देखना है आगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इस पूरे मामले में आपका क्या मत है, आप अपना मत कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे और हमें आपका सुझाव भी दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने जनता का आईना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना।